हे गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू लालीज किचन। आज मैं आपके सामने ला रही हूँ एक बहुत ही सिंपल सी सब्जी। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द पीपल जब पालक की बात की जाए तो फिर ज़्यादातर प्रिफर पालक दाल में हो जाता है, मतलब जैसे कि पनीर बना लेते हैं, पनीर की करी, पालक पालक पनीर, या तो मटर पालक, आलू मटर, उसके साथ पालक मिला देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो सब्जी करीज रहती है वो पालक में ही यूज़ की जाती है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी एक सब्जी दिखाऊं जो पालक से बन रही है, उसमें फिर वेजिटेबल्स भी है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले मैं जो वेजिटेबल की बात की, तो फिर मैंने एक बहुत ही फ्रेश और वॉश्ड किए हुए बीन्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके अलावा जो मैंने कहा था आपको कि पालक जो मैंने अच्छे से धो के इसे पानी में ही रखा है, उसके अलावा आलू, अगर आपको पसंद है आलू तो आप इस्तेमाल कीजिएगा, और एल्स इट्स ऑप्शनल। उसके अलावा तड़के के लिए जो हमें चाहिए वो है टमाटोस। गाइस, अगर इफ़ यू लाइक टमाटो देन यू कैन यूज़ इट, अगर आपको नहीं पसंद है टमाटो तो फिर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा प्याज है, तेज़पत्ता मैंने लिया है, अगेन इट्स ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है तो आप इस्तेमाल कीजिए। और उसके अलावा मैंने मिर्ची ली है, हरी मिर्ची। और तड़के के लिए जो ऑयल में तड़का लगेगा उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 5 फ़ोरन। तो आप देख सकते हैं कि 5 फ़ोरन मतलब इसमें है कलौंजी है, सरसों है, जीरा है, और इसके अलावा इसमें सौंफ है, मेथी है। बेसिकली ये जो तड़का है ये ज़्यादा बंगाल में ही इसका तड़का लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहीं के लोग ही इसका इस्तेमाल करें। इट डिपेंड्स कि अगर आप कुछ ज़्यादा ही मतलब कि फूडी है, अगर आपको ज़्यादा ट्विस्ट देने हैं कोई भी खाने में तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा, खुशबूदार और टेस्टी रहता है। इसके अलावा मैं यूज़ करने वाली हूँ जीरा पाउडर और है गरम मसाला। अगर आपको जीरा पाउडर यूज़ नहीं करना है तो आप सिर्फ गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको पसंद है अदरक और लहसुन तो इसका पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल जो वेजिटेरियंस है मतलब, तो वो कुछ लोग अदरक और लहसुन का पेस्ट पसंद नहीं करते हैं, तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं या तो आप नहीं भी कर सकते, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसे कैसे हम इसका तड़का दिया जाए। तो लेट मी टेक द पैन, और ऑयल की बात करें तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ये सब्जी कुछ ज़्यादा ही डिलीशियस चाहिए, या तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो नॉर्मल जो भी रिफाइंड ऑयल जो भी अवेलेबल है किचन में उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस सब्जी के लिए मैं मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो चलिए फिर मैं आपको इसका तड़का कैसे आप स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया है गाइस, और मैंने इसमें जो मैंने आपको खड़े मसाले बताए थे वो मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैं इसको सॉटे कर लेती हूँ। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए ऑलमोस्ट 5 मिनट के बाद में, तो आप इसमें प्याज ऐड कर दीजिए। जैसे ही प्याज थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हो जाए तो फिर आप इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि प्याज और ग्रीन चिली अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो मैंने जैसे ही ये अनियन और ग्रीन चिली फ्राई हो गए तो मैंने इसमें टमाटोज ऐड कर दिए हैं। जैसे आप टमाटो ऐड करें एटलीस्ट आप इसे 5 मिनट के लिए सॉटे कर लें। तो उसके बाद में जैसे कि जो मैंने मसाले बताए थे गाइस, मैं हल्दी और नमक मैंने बताया नहीं आपको, जो आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो फिर इसमें है हल्दी, नमक, गरम मसाला और जीरा पाउडर जो मैं इसे अभी ऐड कर रही हूँ। और जैसे ही आप ये मसाले डालें थोड़ा गैस को लो फ्लेम पर रखिएगा, ताकि ये अच्छे से मतलब टमाटर के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाए और जो टमाटोज हैं वो गल जाए।
इसको थोड़ा एटलीस्ट एक 5 से 6 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दीजिए लो फ्लेम पे रख के। आप चाहे तो इसे आप ढक भी सकते हैं ताकि ये जो टमाटर है अच्छे से पक जाए। दोस्तों टमाटर और मसाला इसमें जो है वो अच्छे से पक गया है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी पालक, इसके साथ आलू और बीन्स। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैंने सारे मसाले और ये सब्जी पालक और अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अभी इसे हमें लो फ्लेम पे एटलीस्ट 15 मिनट तक इसे आपको पकाना है ताकि ये बीन्स आलू और जैसे जैसे पालक पकता जाएगा ये एकदम गल जाएगा। तो आप इसे 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे रख के पकाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये तड़का प्रेशर कुकर में भी लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट लाइक 1 सीटी में ही यह आपका सब्जी तैयार हो जाएगा। गाइस 15 मिनट्स हो गए हैं तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये सब्जी अभी कैसे दिख रही है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब पक गई है और बहुत ही मतलब बिना पानी के और गाढ़ी भी लग रही है। और आप देख सकते हैं कि पालक एकदम गल गया है। और गाइस ये ऐसी सब्जी है जिसमें आपको पानी का इस्तेमाल बिल्कुल करना ही नहीं है, क्योंकि जो पालक रहता है वो ऑलरेडी मतलब पानी से ही धुला हुआ रहता है। तो जैसे जैसे वो पकता रहता है तो वो कम होते जाता है मतलब गल जाता है, तो उसी से एक पानी निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पालक बीन्स की सब्जी कैसे दिख रही है। और इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सब्जी है ये, पालक के साथ हेल्दी भी है, आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर इफ़ यू आर फैन ऑफ घी तो आप इसके ऊपर 1 चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रोटी के साथ इसे खा रहे हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग लालीज किचन गाइज, हैव वंडरफुल डे।